subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. साटा कुत्ता कुत्ता आते थोड़ा कुत्ता टॉमी, ये डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ था शहनाज और गिल का। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों सलमान खान बहुत ही डिटेलिंग में चले गए हैं, डिटेलिंग में बात कर रहे हैं सलमान खान हिंसा के ऊपर। बिग बॉस के अंदर, घर के अंदर होती है हिंसा। तो उससे पहले मैंने शहनाज और गिल का जो नाम लिया है, तो शहनाज और गिल के बारे में मैं आपको बहुत ही खुशखबरी एक देने वाला हूं। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों शहनाज के बारे में तो ये खबर पहले मैं देता हूं, फिर रूबीना दिलायक और बाकी घर वालों की और बिग बॉस के घर की हिंसा की बाद में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत चांसेस हैं कि इस संडे के वीकेंड का वार में आप सभी को शहनाज और गिल बिग बॉस 14 में देखने को मिले। इस बात के अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये खबरें हैं कि शहनाज और गिल बहुत जल्द कंफर्म हो जाएगा, शूटिंग होगी तो शहनाज और गिल वहां पे देखी गई है और वहां पे वो बिग बॉस 14 में संडे के एपिसोड को देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमान खान प्रोमो में भी, जैसे आपने देखा होगा, सलमान खान कहते हैं कि इस घर में एक शब्द बहुत ही यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, हिंसा हिंसा, इस घर में बहुत हिंसा हो रही है, बहुत हिंसा करते हैं बहुत लोग, हिंसा बिग बॉस हिंसा। तो ये कौन, ये क्या है इसका मतलब? तो वहां पे बाकी सब लोग, पवित्रा पूनिया खास करके एक्सप्लेन करती हैं कि सर हम सब लोग टास्क में हाथापाई तो होती है, हम जब भी टास्क करने लगते हैं, कोई भी टास्क करने लगते हैं, तो उसी समय पे ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हिंसा हो गई है, हिंसा कर दिया है, बिग बॉस का घर में हिंसा हुई है। तो सलमान खान पूछते हैं कि भैया ये सबसे ज्यादा कौन इस शब्द का इस्तेमाल करता है? तो कहा जाता है, सभी की तरफ से आवाज आती है कि रूबीना करती है। तो रूबीना से पूछा जाता है, तो रूबीना अपने वही जो करेक्ट वाली भारी भरकम हिंदी जो घर से वो सीख के आई है, क्योंकि इसी खुन्नस के साथ के बिग बॉस कहते हैं कि इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, तो हिंदी का करना है, तो ले लो फिर मैं करती हूँ हिंदी भाषा का इस्तेमाल। तो ऐसी हिंदी वो बोलती है कि जो कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों के भी सर के ऊपर से निकल जाती है, उनको समझ में नहीं आती है। चलो खैर कोई बात नहीं, ये अच्छा है, अच्छी लगती है ऐसी मीठी हिंदी जुबान। तो वो वहां पे ये कहती हुई नजर आती है रूबीना के, बिल्कुल सर ये लोग हिंसा पे उतर जाते हैं, हिंसा होती है, और वो टास्क के बारे में सलमान खान को एक्सप्लेन करना शुरू होती है। मतलब सलमान खान पहले बिग बॉस में देखा जाता था कि सलमान खान सबको एक्सप्लेन करते थे कि वो टास्क ये था, ऐसा था। अब ये बिग बॉस थोड़ा सा, क्योंकि 14 है, थोड़ा सा सीन पलटने वाला बिग बॉस है, यहाँ पे रूबीना दिलायक सलमान खान को बताती है कि टास्क ये था सर, वो बातचीत का टास्क था, वो खींचाताई का टास्क नहीं था, वो अग्रेशन का टास्क नहीं था। तो सलमान खान कहते हैं कि भैया अग्रेशन का, अगर बातचीत का टास्क था तो बैग को ऐसे कस के पकड़ा हो क्यों हुआ था आपने, है ना? तो बातचीत करती वो पड़ा रहने देते बैग साइड में। तो फिर वो सब लोग भी बोलते हैं, राहुल वगैरह भी बोलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अपनी ही चीजें, ये अपने कानून बनाती हैं, अपनी चीजें बनाती हैं, ऐसा सब कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तो रूबीना फिर से कहती है थोड़ी तीखी आवाज में कि ये सभी लोग एकत्रित होके मुझे वोट आउट करके, वोट आउट की हिंदी शब्द उनको आती नहीं होगी, तो मुझे घर से मुख्य द्वार से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? तो यहाँ पे सलमान खान फिर उनको कहते हैं कि फिर ये पूछते हैं, और आपको समझ में नहीं आता कि अग्रेशन इटसेल्फ इज ए हिंसा, पैशन इटसेल्फ इज ए हिंसा, पैशन हिंसा है, ये तो मुझे तो पहले पता नहीं था, आज रूबीना जी ने बताया तो पता चला कि पैशन भी हिंसा होती है। ओके ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो है सलमान खान कहते हैं कि रूबीना कि आपने जो जैस्मिन भसीन को ऐसे पकड़ा हुआ था, कस के पकड़ा हुआ था, तो वो क्या था? वो पैशन नहीं था, आपका पैशन पैशन, बाकियों का पैशन हिंसा। तो फिर सलमान खान ऊंची आवाज में थोड़ा सख्ती से कहते हैं कि रूबीना यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ मिजरेबल एंड अदर्स आल्सो, कि आप ना तो सिर्फ अपनी जिंदगी को, जो कहते हैं मिजरेबल को, थोड़ा सा अजीब वर्ड है हिंदी में, मैं बोल नहीं सकता, कि दुखी मिजरेबल कष्ट
कष्टों से भरी हुई बनाओगी, और नारकिया कह सकते हैं नारकिया, तो और साथ में बाकी घर वालों की जिंदगी नरकहीन बना दोगी, नरक जैसी बना दोगी, अपनी भी बना दोगी। तो ऐसा कुछ सलमान खान कहते हुए नजर आते हैं। बाकी डिटेल में देखना होगा कि आगे पूरे तरीके से सलमान खान कैसे रुबीना दिलायक की बात करते हैं। बाकी जैस्मीन बसीन को भड़काने का, ये सब चीजें करने की, तो वो तो बातें जो की है वो तो की ही है। अब देखते हैं कि ये सीन कैसा पलटता है। तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको ये बात कैसी लगी, सलमान खान को क्या रुबीना दिलायक को ऐसे सच में डांटना चाहिए था, क्या रुबीना दिलायक थी गलत या थी रुबीना सही। बिल्कुल आप, अगर आपको सही लगती है तो आपको सही बोलना चाहिए। तो क्या सलमान खान ने गलत किया, ये सब वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।